हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर गेमप्ले वीडियो। सो गाइस आज वीडियो में दोबारा से खेल रहा हूँ माइनक्राफ्ट। सो दोस्तों आज वीडियो में दोबारा से खेल रहा हूँ माइनक्राफ्ट असेंशन एसएमपी। ठीक है, तो ये इस एसएमपी में मैंने बहुत अच्छा खासा तगड़ा वाला तरक्की कर लिया है। जैसे आप देख पा रहे हैं भर भर के यहाँ पर विलेजेस हैं, यहाँ पर बहुत सारे जॉब स्टेशन दे दिए और यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे ये वुड है, फूड है और बहुत कुछ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को पहले तरक्की दिखा ले रहा हूँ कि मैंने क्या तरक्की किया ऑफलाइन में। तो ये बैम्बू देख रहे हैं, ये बैम्बू मैंने मतलब बहुत दूर हज़ार ब्लॉक दूर जाके मुझे मिले हैं। यहाँ पे जो जो एक पेड़ था ब्रिज वुड का, उसको हटा के मैंने यहाँ पे जो ये बी हाइव या बी नेस्ट जो भी कहते हैं उसको अपग्रेड किया है। मैंने बहुत दूर से डार्क वुड भी लाया है, उसका सैपलिंग। ठीक है, और टॉड ये बेरीज भी वहीं से लाया हूँ। और ये देखो भाई साहब क्या ही तगड़ा पेड़ लग रहा है गाइस। तो गाइस इसको भी मैंने लाया है भाई, बहुत ज़्यादा दूर लगा था यार। और अब यहाँ भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने छोटे छोटे ये फार्म्स बना के रखे हैं क्योंकि फूड वूड का जरूरत पड़ते रहता है और मैं भूखे नहीं मरना चाहता। ठीक है, और अब दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आज मैं क्या करने वाला हूँ। थोड़ा ज़्यादा ओवर एक्टिंग हो गया मैं जानता हूँ। तो दोस्तों मेरे पास विलेजेस की कोई कमी तो है नहीं, तो मैंने सोचा कि इसे एक आयरन फार्म बना लिया जाए क्योंकि ये लोग तो आयरन गोलम स्पॉन कर ही रहे हैं। ठीक है, तो आयरन फार्म बनाने के लिए मुझे दूर जाना होगा और एरे क्लीन करना होगा जो सच में बहुत अनोइंग है। चलो तो सबसे पहले ये बारिश हटने का नाम नहीं ले रहा, ये बारिश कब हटे। सो दोस्तों इससे पहले मेरे पास शायद कुछ वुड था, जंगल वुड हाँ है। ठीक है, तो इसको ले लेते हैं। यहाँ पे बस कोको बीन्स था, ये रहा। ठीक है, तो अभी मेरे पास एक फेंस भी होगा, फेंस कहाँ है ये रहा। तो भी एक बढ़िया सा कोको बीन वाला फार्म बना देते हैं छोटा सा। ठीक है, और राइट गाइस, तो मेरा यहाँ पे छोटा सा कोकोबीन फार्म बन के रेडी है। ठीक है, तो अभी सोने टाइम, यस अब मैं फाइनली सो पा रहा हूँ ताकि अगले दिन अगले सुबह को ये बारिश हट जाए। और यस हट गया। सो दोस्तों अभी मैं फटाफट चलता हूँ, देखो एक दो तीन 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 आयरन गोल यहाँ पे इन लोगों ने स्पॉन कर रखे हैं। ठीक है, और यहाँ पे मेरा एक छोटा सा शुगरकेन फार्म भी है जो सच में बहुत ज़्यादा छोटा है, तो उसको भी थोड़ा एक्सपेंड करेंगे किसी और दिन। अभी मुझे चाहिए होगा, नहीं उससे पहले मुझे यहाँ पर कुछ चेक करना है। हाँ, मेरे पास वाइंस वाइंस बहुत कम है। ठीक है, वाइंस कम है, मुझे ड्रिपस्टोन हुआ करता था है। मेरे पास लावा भी है सिर्फ एक ही बकेट, तो लावा का भी एक छोटा सा फार्म बनाया जाए। मेरे पास शायद जो कॉपरस्टोन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अभी मुझे और क्या करना था, हाँ ये वेंस के लिए भी एक फार्म बनाना है और यहाँ पे मैं कोको बीन्स उगने लगे हैं, ये भी सही बात है। मैं वाइंस के लिए एक फार्म बना देता हूँ यहाँ पे, ये रहा एक दो तीन चार पाँच छठा ब्लॉक ऐसे, यहाँ से एक दो तीन चार गिन लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच, एक और ऐड कर ही देते हैं छः। ठीक है, और अभी यहाँ पर ऐसे ऐसे लगाते चलते हैं। ऑल राइट गाइस, तो अभी मैंने यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, तो ये अपने आप ही ग्रो होंगे, इसको हटा देते हैं।
ये सब अब अपने आप ही ग्रो होंगे, बस मुझे सीयर से काट लेना है। तो ये भी मेरा एक छोटा सा फार्म रेडी है। अब मुझे लावा फार्म भी बनाना होगा ना, तो अभी के लिए तो छोटे छोटे ही फार्म बनाना है। तो मेरे पास कोल्ड रूम नहीं है ना, कोल्ड रूम ही बनाना होगा पहले। और क्या, चलो आयरन है मेरे पास, आयरन से बना लेते हैं कोल्ड रूम। चलो एक कोल्ड रूम सही है। ओ भाई ये क्या खुल गया, ये कोल्ड रूम रेडी है। और इसको मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ यहाँ, ठीक है, इसको यहाँ पे। और ओ भाई ये रहेगा यहाँ पे मेरा वो ड्रिप स्टोन, तो एक यहाँ पे लगेगा ये ऐसे, ये ऐसे। ओ भाई आयरन रूम हट जा, ये ऐसे लगेगा। और यहाँ से उतर के, उतर ही क्यों गया भाई। चलो अब सही है, अब यहाँ डाल देते लावा, ठीक है, इसको तोड़ो, इसको तोड़ो यहाँ पे इसको। चलो ड्रिप स्टोन लगा देते हैं यहाँ पे। भाई हट जा, भाई हट जा, हट जा। चलो बस देखने है ये लावा गिरा रहा है कि नहीं। चलो ये लावा ही गिरा रहा है, ठीक है, अब लावा भरेगा। तो इंटरनेट लावा सोर्स भी हो चुका है मेरे पास रेडी, लेकिन अभी के लिए मुझे आयरन वर्म फार्म बनाने के लिए लावा चाहिए ही होगा। ये तो अभी के लिए दिक्कत होगी, बात हो गई। चलो कोई ना, तब तक के लिए मैं कुछ और काम कर लेता हूँ, जैसे कि एरिया प्लेन कर लेता हूँ, ठीक है। जो मेरे पास सबल्स है डॉट ले लेता हूँ बहुत सारे, दो तक से ज़्यादा काम आएंगे नहीं। चलो और अभी चलते हैं फटाक से एरिया प्रिंट करने। ऑलराइट गाइस, तो मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से ये जगह ये परफेक्ट रहेगा आयरन फार्म बनाने के लिए। तो इसको थोड़ा ऊंचा जगह पे रहेंगे, इसको थोड़ा प्रिंट करके आते हैं। तो हियर वी गो। द नेक्स्ट डे। ऑलराइट गाइस, तो मैंने लगभग लगभग सारा सामान ले लिया है। जैसे आप मेरे इन्वेंट्री में देख पा रहे होंगे, बहुत सारा सामान ऐसे रखा हुआ जैसे कोई कचरा है, ठीक है। तो अभी मैं चलता हूँ फटाक से बना लेता हूँ। तो हियर वी गो। ऑलराइट गाइस, तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। सबसे पहले ले लेते हैं चेस्ट, हॉपर, और अभी के लिए इतना ही लेते हैं। ये बन गया लास्ट चेस्ट, ठीक है। और भाई सब इसमें मैं तब से क्यों खेल रहा हूँ, इसमें लगा देते ये। चलो ये ठीक से लगा हुआ है। और राइट, और अभी इन सब हटा के मुझे ये ब्लॉक लगा देना है। चलो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ठीक है, ये नौवा जगह पे। अभी यहाँ पे रख देते हैं कैंप फायर। चलो ये हो गया, अब इसको कर देते हैं एक बाउंड्री में। चलो तो अभी ये यहाँ पे इसको तोड़ो। मैंने पिलर के लिए, हाँ ये रहा, इन सबको लगाया था, इन सबको लगा ही देते हैं। ऑलराइट गाइस, तो बनाने के बाद ये थोड़ा ऐसा दिख रहा है जो मुझे अच्छा लगा। और ऊपर चढ़ जा भाई, हाँ। तो यहाँ पे लगेगा एक साइन बोर्ड। चलो इससे क्या होगा, पानी यहाँ पे नहीं आएगा। एक मिनट, इसको भी यहाँ पे ऐसे ढक लेते हैं, अभी चेक कर लेते हैं कि पानी आ रहा है या नहीं। चलो ठीक है, उसमें नहीं जा रहा है। अभी यहाँ पे सबसे पहले बना लेते हैं इन्फिनाइट वाटर सोर्स, यहाँ नहीं छोड़ो, ठीक है। तो अभी यहाँ पर एक स्लैब लगाना है ना, तो स्लैब मेरे पास भर भर के है, स्लैब यहाँ पर लगा देते हैं। चलो ये हो गया, अब यहाँ पे चढ़ के
यहाँ पर रहेगा पानी, ठीक है। अब पानी के ऊपर में यहाँ पर रहेगा साइन बोर्ड, साइन बोर्ड वाला एरिया भी बना ही देते हैं। और मेरा पिलर सब क्लिक करा हो गया, ये रहा यहाँ पे, ठीक है। पिलर लगा देते हैं यहाँ पे, चलो तो अभी इसको लगा देते हैं यहाँ पे। यहाँ पर लगेगा अब साइन बोर्ड कुछ ऐसे, एक यहाँ, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ, ठीक है। वैसे सेम यहाँ पर भी ऐसे, और ये ख़त्म भाई, और लाया थे ना। हाँ चलो, तो साइन बोर्ड है यहाँ पे, ये यहाँ पे, चलो साइन बोर्ड भी लग गया है। यहाँ पे नीचे में रहेगा ये पानी, जो ऐसे ढकेल के वहाँ तक लेके जाएगा, मुझे नहीं भाई, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं इससे, ऐसे ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे रहेगा लावा, लावा वाला एरिया भी बना ही देते हैं ऐसे। यहाँ पे तो पिलर लगेगा ना, ये कुछ ऐसे होगा, ये जॉम्बी। उत्तरी ये कहाँ से आया, उत्तरी ये सब आग कहाँ से रहे हैं? अरे भाई, ओ भाई साहब, ओ अबे भैंस की टांगी, ये कहाँ से आया? मैं नहीं बे यार, फट ही गया। अब इसको भी रिपेयर करना होगा। और ये नॉट बैड, नॉट बैड, अच्छा लग रहा है भाई। चलो तो अभी मेरे पास डर्ट की कमी है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ऐसे लगाना ही पड़ेगा, और यहाँ पर उतना इफिशेंट डर्ट नहीं है मेरे पास, तो अभी इतने रखते हैं। यहाँ ऊपर चढ़ने के लिए मैं ये वाला ब्लॉक्स यूज़ कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों। चलो यहाँ पर रहेगा लावा। अब लावा के ऊपर का भी एरिया, एक मिनट, ओ भाई यार, अभी इसको बनाना पड़ेगा। 64 बना, ये 64, ये बन गया भी। चलो तो अभी इसको ऐसे बना लेते हैं, चलो ठीक है। तो अभी यहाँ पे ले लेते हैं साइन बोर्ड, कहाँ गया, ये रहा, ये साइन बोर्ड लगा यहाँ, एक मिनट, ये साइन बोर्ड कहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे चेक करते हैं। तो ये यहाँ पे एक लाइन छोड़ के यहाँ, ठीक है। ये सिर्फ ऐसे ही एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए, और यही गलती होना था। चलो तो यहाँ पे साइंस लग गए हैं सही से, ठीक है। तो भाई लावा लेके आना चाहिए था हमको यार, वहाँ पे रख देंगे तो ऐसे भी फैल जाएगा, ठीक है। अभी इसके ऊपर लगेगा ये वाले ब्लॉक्स, एक मिनट, नहीं, ये वाला लगा दिए तो फिर हो गया काम ख़त्म। यहाँ पे लगेंगे ये वाले, चलो हमको जैसे लगता है इसको ऐसे तोड़ लेना चाहिए। यहाँ पर भी ये वाले ब्लॉक यूज़ कर लेते हैं,
चलो तो ये बन गया 3 3 6। ये उतर के देखते कैसा लग रहा है। परफेक्ट। और अभी यहाँ ऊपर चढ़ने के लिए मैं पानी का यूज़ कर लेता हूँ। चढ़ जा। चलो तो अभी यहाँ पे इसको लगाते हैं। कितना दूर लगा है? यहाँ पे 1 2 3 4 5। चलो यहाँ 5 दे देते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4, रुको कितना हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी इसको भी 1 2 3 4। ओ ये नहीं था, मिला नहीं, ओ नीचे गिर गया। चलो तो अभी इसको ढक लेते हैं। और राइट गाइस, तो अब रात हो चुका है और मेरे पास बेड भी नहीं है, तो अभी स्केलेटन आ गए भाई है, और रात को काम नहीं कर सकते। जॉम्बी टॉम्बी सब आ रहे हैं। ओए विच, ओ भाई साहब। चलो गाइस फाइनली मैं सो पा रहा हूँ भाई साहब। यहाँ पर मतलब इन लोगों ने ही बचा लिया विलेजर को, थैंक्स गोलम्स। और हाँ मेरे पास बेड नहीं है ना, मैं बेड लेके चलता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओए एक बेड दो कोई। चलो तो अभी चलते फटाक से अपने काम की ओर। भाई साहब दूर से कितना तगड़ा लग रहा है। अभी इसको थोड़ा यहाँ से भी ऐसे करके देखते हैं। ये हो ना असली बात। इसको तोड़ो और यहाँ पे लगा दो। चलो अभी इसको तोड़ा जाए। और राइट, तो अभी यहाँ से भी आगे काम कंटिन्यू करते हैं। और राइट गाइस, तो मैंने ऊपर प्लेटफॉर्म पूरा अच्छे से बना दिया है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मुझे कुछ ऐसे, चलो तो मुझे ऐसे करना है, ठीक है। तो मैं फटाक से और ले बना लेता हूँ। और अभी इसको और बनाना पड़ेगा भाई साहब। एक ये बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ और जाके बनाओ। चलो चलो एक ये तो बन गया है। यहाँ पे इसको ऐसे रख के, कुछ गड़बड़ हो गया है, इसको तोड़ दिया जाए। ये यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे ऐसे, ये इसको भी नहीं तोड़ना चाहिए था, ये अभी काम आएगा। चलो इतना इनफ होगा। अरे भाई
कहाँ लेके जा रहे हो? अभी इसको तोड़ लिया जाए। चलो तो एक साइड का ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब वैसे मुझे चारों जगह में करना होगा, और जहाँ जहाँ पे पानी का खपत हो रहा है वहाँ वहाँ पे मुझे डालना होगा पानी। तो वो वाला पानी अभी नहीं लेंगे, अभी इन्फिनेट वाटर सोर्स बनाया जाए। और नीचे में कुछ लोग मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, तो उन लोग से भी मिल के आते हैं। ये रहा मेरा वाटर बकेट। अच्छा एक ही है क्या भाई यार? चलो तो अभी मुझे क्या क्या चाहिए होगा भाई साहब? दूर से बहुत ज़्यादा तगड़ा लग रहा है। ये तो एक लेयर है, इसका एक और लेयर बनाऊंगा तो कितना तगड़ा लगेगा भाई। तो अभी इन्फिनिट वाटर सोर्स के लिए एक और वाटर बकेट चाहिए होगा। और राइट गाइस, तो जैसे आप देख पा रहे हैं ये कोको बीन्स वाला फार्म मतलब सब रेडी है। ये बैम्बू भी उग रहे हैं, और ये वाइन्स वाइन्स वाला मुझे ये कहाँ गया भाई मैं? और ये वाइन्स भी देख रहे हो ये उग रहा है, मतलब एक ही सर का भी उगा है और बाकी उगेगा। तो अभी चलते हैं फटाक से ऊपर यहाँ पे, और यहाँ पर बारिश हुआ था क्या? और नहीं हुआ था ना। ओ भाई यहाँ पे भैंस की टांग लाओ, कलेक्ट ही नहीं हुआ भाई, ये क्या हो रहा है? अब यहाँ से पानी लेते हैं और यही सब हो गया। चलो तो अभी वहाँ पे जाके इन्फिनाइट सोर्स बना लेते हैं। और अरे लावा का कुछ करो भाई, कैसे करें इसका कुछ जुगाड़? और दोस्तों वहाँ पर जाने से पहले मुझे कुछ और डीप स्लेट चाहिए होंगे, तो अभी फटाक से बना लेते हैं। स्टोन कटर कहाँ है? स्टोन कटर यहाँ है। चलो तो अभी इतना ही बचे हैं भाई साहब, कैसे होगा बोलो? इतना ही हुआ, मतलब मुझे और माइंड करने के लिए जाना पड़ेगा। सो दोस्तों सबसे पहले लेयर, ये एक लेयर बना लेते हैं। और ये अभी रात होने को आया है और मुझे बहुत सारे फ्लिंचिंग टेबल चाहिए होगा, ठीक है। तो फ्लिंचिंग टेबल के लिए मेरे पास फ्लिंट होगा ही 44। यहाँ पे ग्रेवल था क्या मेरे पास? हाँ एक स्टैक भर के है गाइस, मजाक है। एमरल नहीं है, एमरल कर लेंगे ले लेंगे। पर अभी रात होने को आया तो थोड़ा सो जाते हैं। ऑलराइट गाइस, गुड मॉर्निंग। सो अब मुझे स्टिक्स चाहिए होंगे, तो स्टिक्स बना सकता हूँ मैं? हाँ बना सकता हूँ। तो यहाँ पे इतने स्टिक्स कितने बनेंगे भाई? सारे बना लो। कौन इसका अच्छे खासे पैसे देगा? चलो भाई ये दे रहा। अच्छा और नहीं हुआ ना, तो अभी और कहाँ गया ये रहा होगा। चलो भाई चलो ठीक है, फ्लिंट भी मिल गया है। और अभी ग्रैब रख देते हैं फ्राक से, ये जाएगा यहाँ पे। और इसको भी रखते हैं एमरल को भी अंदर। चलो तो यहाँ पे और ठोके मेरे पास इसी में रखा हुआ। अभी बना जाए बहुत सारा फ्लिंचिंग टेबल। और आगे सब 40 फ्लिंचिंग टेबल बन चुका है, मतलब बन रहा है। ऑलराइट गाइस, तो 40 फ्लिंचिंग टेबल मैंने बना लिया है। अभी चलता हूँ फटाक से वहाँ पे और बना लेता हूँ सबसे पहले विलेजेस के लिए एरिया। भाई सब ये यहाँ पे क्या कर रहा है? नज़र रख रहा था मेरे ऊपर। ऑलराइट गाइस, तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। यहाँ पे कुछ अभी से आया नहीं है ना कुछ भी? ओ आया है,
एक डर्ट का ब्लॉक। तो सबसे पहले इंटरनेट वाटर सोर्स बना दिया जाए, लेकिन ऊपर, क्योंकि यहाँ पर बनाना बना पाएंगे नहीं। ठीक है, तो अभी ग्रास ग्रास सीरा ग्रास से अभी चलते ऊपर सीढ़ी बनाते हुए। ये लगेगा यहाँ पे ऐसे, चलो उतरी, जो बन गया ये सीढ़ी। ठीक है, तो 20 20 करके होगा। यहाँ से अगर एक लगाते हैं, एक ब्लॉक छोड़ के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओ नो 11 हो रहा है। तो इसको ऊपर कर देते हैं, चलो। तो ये हो गया 22। अब बाकी का भी थोड़ा, एक मिनट, यहाँ पे एरिया बनाना होगा ना, 2 3। ठीक है, इसको अभी यहाँ तक लेके जाना है। चलो भाई, ये इसको तोड़ देते हैं, 1 2। तो अभी यहाँ से ऊपर ही चढ़ जाते हैं, यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। यहाँ पर लगेगा ये वाले ब्लॉक्स, चलो भाई साहब। अभी तो ये ख़त्म हो गया है, तो यहाँ पे यही सब लगाना होगा। यहाँ से भी इसको ऐसे, और राइट। तो यहाँ पे विलेजेस रहेंगे, ठीक है, विलेजेस के लिए जगह बन चुका है। और इसको भी थोड़ा डेकोरेटिव बना देते हैं, यहाँ पे इसको ऐसे, एक दो, और ये जगह यहाँ पे ऐसे सेम यहाँ पर ही बनाना है। और सबसे पहले इन सबको ऐसे कर देते हैं, चलो। तो अब यहाँ से उतरते हैं नीचे, यहाँ पे कुछ ऐसे, चलो भाई सब। अभी यहाँ पे ये तो ठीक है,
अभी यहाँ से ऊपर जाएगा विलेजर्स से, तो अभी इसको इतना ऊपर, चलो ये ठीक है। और अभी यहाँ पे मुझे इन्फिनिट वाटर सोर्स भी बनाना है। चलो तो अभी यहाँ पर भी एक और वाटर बकेट। अबे नहीं यार, यहाँ पर नहीं, यहाँ पे ठीक है। और यहाँ पर लगेगा कहाँ के स्लैब्स, यहाँ पे कुछ ऐसे, इसको तोड़ो। यहाँ पे जाएगा पानी, यहाँ से भी इसको क्राफ्टिंग टेबल ले लेते हैं। चलो ये ठीक है। एक मिनट, द नेक्स्ट डे। ऑलराइट गाइस, तो अभी मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ कि मैंने आयरन फार्म का लेयर वन बना दिया है। सो जैसे आप देख पा रहे हैं, ये लेयर वन जो है वो बड़ा ही इतना मुश्किल से बना है, पानी डालने में मुश्किल हो रहा था क्योंकि स्लैब्स लगे हुए हैं, ठीक है। और मैं ऊपर से दिखा दूँ कि ये ऐसा दिख रहा है कुछ, वैसे अच्छा तो बिल्कुल नहीं लग रहा है मुझे भी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, काम तो आ जाएगा, ठीक है। तो अभी इसी को बनाने में मेरा जितना भी डीप स्लेट था वो सब ख़त्म हो चुका है, और मैंने ये कुछ एक्स्ट्रा माइन किया है, मेरे दोस्त ने थोड़ा मदद किया है डीप स्लेट माइन करने में, ठीक है। तो अभी मैं चलता हूँ फटाक से नीचे। ऑलराइट, तो अभी चलता हूँ फटाक से चेस्ट की ओर। ऑलराइट गाइस, तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, और जैसे और देख पा रहे हैं यहाँ का बैम्बू, कोको बीन्स, ये क्या बोल रहे हैं इसको, बेरीज, वहाँ पे ये देखो भाई, ये हुई ना असली बात, ये वाइंस देख रहे हो भाई, ये वाइंस ही तो हैं रियल फार्म। बोले ये अपने आप ग्रो होते जाएंगे, ठीक है। तो इसका टेंशन अब मुझे बिल्कुल नहीं है, मुझे सिर्फ इसको काटना है। सो और अभी मैं दिखा रहा हूँ मेरे पास कितना डीप स्लेट ये आ चुका है। चलो तो अभी आपको दिखा दिया जाए, इतने सारे डीप स्लेट, और हमें स्लैब शायद वहाँ पर रख दिए थे ना, वहीं पे। चलो तो मैं फटाक से स्लैब्स भी ले आता हूँ, और एक मिनट मैं ज़रा देख लूँ कि नहीं भाई, किसी ने ये क्या बोलते चोरी कर रहे हैं हम लोग का लावा, ऊपर से नहीं नीचे से, और सब कितना मेहनत से, मतलब दोनों बार भरा था, दोनों बार कुछ ये लेके गया भाई, सच में यार बड़ी अजीब हरकत करता है ये लोग। और एंड गोलो कैसा है, तुम्हारे फार्म बनने वाला है, नहीं समझ लो। हाँ पूरा भाई की इज्जत नहीं है यार, भाई की इज्जत दबा दी, नहीं मैं मारूंगा नहीं, टच भी नहीं करूंगा तुम्हें। आयरन फार्म में आ जा तब बताता हूँ हैशटैग सैड लाइफ। ऑलराइट गाइस, तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, और मैं भूल गया कि मुझे बेड भी लाने थे, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ से सबसे पहले निकाल लेता हूँ, ये देखो एकदम भर भर के हैं यार, स्टैक्स पे स्टैक, और ये रहा बस इतना ख़त्म, ठीक है। तो अभी मैं फटाक से बहुत सारा बेड बना के भी ले आता हूँ, और यहाँ पे कुछ सामान भी रख देता हूँ, जैसे कि ये स्लैब्स जो अभी किसी काम के नहीं है, कुछ ब्लॉक्स बना, नहीं ब्लॉक्स नहीं, मुझे लीव्स चाहिए होंगे, इसको रख देते हैं, कोई कभी कोई काम नहीं है, बकेट्स का काम नहीं है, और फूड है मेरे पास, स्टिक रख देते हैं, स्टिक्स रख देते हैं, टॉर्चेस रख देते हैं, और बाकी सामान ले आते हैं। ऑलराइट गाइस, तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, सबसे पहले यहाँ से लॉट्स ऑफ डीप स्लेट्स ले लेते हैं, चार स्टैक जो बहुत ज़्यादा हैं, और यहाँ से जो कुछ नहीं लेना है, यहाँ से ले लेते हैं हम ये, और यहाँ पे कुछ है नहीं,
और राइट गाइस, तो मैंने ये फालतू का मतलब सॉरी जितना भी बेड था वो सब रख दिया है वहाँ पे। यहाँ पर कुछ है बचा कुछ है, इसको भी ले लेते हैं और बना लेते हैं। चलो ये इतना इफिशेंट होगा शायद, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से इतना काफ़ी रहेगा। भाई साहब 54 बचा है सिर्फ और सिर्फ। राइट गाइस, तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और चलो तो अभी इसको यहाँ रख देते हैं और इसको ले लेते हैं हाथ में, ठीक है। और अभी क्राफ्ट टेबल बना लेते हैं इसको, सॉरी इसको नहीं, इसको यहीं पे रखते हैं, इसको लेते हैं हाथ में। अभी चलते ऊपर, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो विलेजर्स के लिए एरिया है वो छोटा पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पे भी वहाँ भी नहीं हटेगा इसमें, ठीक है। तो मैं इसको वापस से रिबिल्ड करना चाहता हूँ, तो ये रहा उसका टाइम लैप्स। और राइट गाइस, तो मैंने फाइनली आयरन ग्रोम फार्म बना दिया, मतलब आयरन फार्म। बस दिक्कत ये है कि ये जो आयरन ग्रोम है वो सब बाहर स्पॉन हो रहे हैं, पता नहीं क्यों। जैसे आप देख पा रहे हैं ये आयरन ग्रोम फार्म, मतलब आयरन फार्म बहुत मतलब ज़्यादा ही बड़ा है, तगड़ा है, लेकिन आयरन प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है। तो ये गलती मुझे से हुई है, क्योंकि जो ये आयरन फार्म है वो विलेज के 100 ब्लॉक्स की दूरी पर नहीं है, उससे करीब है, ठीक है। तो जिस कारण क्या हुआ ना कि जितने भी आयरन ग्रोम है वो सब यहाँ पे स्पॉन होने लग जा रहे हैं। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि ये वीडियो मैं डालूँ कि नहीं डालूँ, लेकिन फिर मुझे याद आता है कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बहुत सारे मिनी फार्म्स बनाए हैं। तो अगर दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा, याद क्या होगा, मैंने इसी वीडियो में बताया है कि ये जो मिनी फार्म्स हैं ये बहुत ज़्यादा ओपी हैं। ये देखो सारे कोको बीन्स रेडी हैं, बैम्बू भी रेडी है, वाइन स्टॉक है। ये वाला पहला मेरा ऐसा फार्म है जो मैंने बनाया है और सक्सेसफुल रहा, आगे से भी और पीछे से भी। टेंटर है, पीछे वाला थोड़ा ग्रो होना बाकी है। सो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, और हाँ इन विलेजेस का भी जॉब स्टेशन मैंने हटा के देखा, ट्राई किया, लेकिन तब पर कुछ नहीं हुआ। सो दोस्तों आज का वीडियो करते हैं ये भी खत्म। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ साथ मुझे इस डिस्काउंट में ज्वाइन कर लीजिए, एक मिनट। सो दोस्तों मुझे डिस्काउंट में भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं डिस्काउंट में हमेशा ऑनलाइन पाया जाता हूँ, ठीक है। ये प्राणी हमेशा डिस्काउंट में पाया जाता है, इसलिए कृपया करें डिस्काउंट ज्वाइन कर लें। धन्यवाद, मिलता हूँ आप लोगों को ये अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।